हिमालय की गोद में बसे लद्दाख को अपनी अनोखी बौद्ध विरासत, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की बौद्ध संस्कृति अपने आप अनूठी है। बौद्ध संस्कृति को करीब से देखने की चाह रखने वालों के लिए नरूपा उत्सव बेहद खास है। लद्दाख के हेमिस बौद्ध मठ में इन दिनों नरूपा उत्सव शुरू हो चुका है। हम बता दें आपको कि नरूपा उत्सव को लद्दाख का कुंभ मेला भी कहा जाता है। लद्दाख में बौद्ध धर्म के द्रुप्का पंथ के अनुयायी इस उत्सव को मनाते हैं। पूरे लद्दाख में लगभग 80% लोग द्रुप्का पंथ में विश्वास रखते हैं। और इसी वजह से नरूपा उत्सव को मनाने के लिए भारी संख्या में लोग यहां जुटते हैं। इस उत्सव को दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख बौद्ध उत्सव माना जाता है। नरूपा उत्सव को भारत के रहने वाले बौद्ध संत और विद्वान संत नरूपा की याद में मनाया जाता है। संत नरूपा को द्रुप्का पंथ का संरक्षक संत माना जाता है। उन्होंने बौद्ध दर्शन की एक महान परंपरा को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई। संत नरूपा ने लद्दाख में रहे और यहीं उन्होंने नरूपा के 6 युग में दक्षता हासिल की। नरूपा के 6 युग को बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इस साल भी नरूपा उत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है। द्रुप्का पंथ के सबसे बड़े धर्मगुरु ग्वालवांग द्रुप्का खुद उत्सव के दौरान मौजूद हैं। हिमालय के कुंभ को एपीएन प्रस्तुत कर रहा है। आज से 20 सितंबर तक एपीएन पर लाइव देखेगा नरूपा 2018।